इस देश के लोगों की जमा संपत्ति को आए दिन लूटना और लुटवाना अब भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार का तकिया कलाम बन गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो जीवन बीमा निगम है भारत सरकार का, इसमें 38 करोड़ देश के लोगों की जमा पूंजी पॉलिसी धारकों की लगी है। आज जब देश के बैंकों का Q4 यानी Q4 का नुकसान लगभग 90,000 करोड़ रुपया हो गया है, जो आज़ादी के बाद सबसे अधिक है, एक बैंक का NPA IDBI बैंक का 55,588 करोड़ रुपए है। Q4 लॉसेस जो हैं वो अकेले इस बैंक के 5,700 करोड़ रुपए हैं। बजाय बैंक रिकैपिटलाइजेशन में पैसा निवेश करने के, अब 38 करोड़ बीमा धारकों का पैसा जिस भारतीय बीमा निगम के अंदर जमा है, जबरन LIC को IDBI बैंक खरीदवाना का आदेश मोदी जी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी ने दे दिया है। अब बैंकों के घोटाले की राशि बढ़कर आज 7,000 करोड़ रुपए के घोटाले का एक और खुलासा हम आपके बीच में लेकर आए। इसके साथ अब घोटालों की राशि जो आए दिन हम गिनते हैं वो अब बढ़कर 70,000 करोड़ रुपए हो गई है। SRS ग्रुप जो फरीदाबाद बेस्ड है, उन्होंने 17 बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को 6,978 करोड़ 72 लाख या लगभग 7,000 करोड़ का चूना लगा दिया है। उनके मुखिया को इसलिए पकड़ लिया गया कि कांग्रेस के लोगों ने फरीदाबाद हरियाणा के अंदर प्रोटेस्ट किया, तो उनके मुखिया को एयरपोर्ट के होटल से आखिरी समय देश छोड़कर जाते हुए पकड़ लिया गया। पर 3 और जो लोग हैं, JK गर्ग, PK कपूर और प्रतीक जिंदल, जो अनिल जिंदल के बेटे हैं, वो तीनों मुल्क छोड़कर भाग गए। Why is मोदी गवर्नमेंट jeopardizing the deposits of 38 crore LIC policy holders by forcing LIC to buy the and acquire the IDBI bank? Why did the Prime Minister office, the CBI, the ED, the Finance Ministry, the Registrar of Companies, the Security Exchange Board of India, why did they all not take action against a business group which has defaulted in the bank loan of 6,978 or 7,000 crore? Why have 16 banks not referred this entire matter to CBI? Why have the 16 banks not referred this matter to ED? Why have they not referred it to RBI till date? Whom are they trying to protect when 7,000 crore rupees of public money is involved? Once the banking scams have now crossed 70,000 crores, as we have reported from this platform time and again, how does Prime Minister Modi propose to recover this money at all? And what is the special relationship that is enjoyed by the SRS group with Modi government and Khattar government, which is the reason why there has been complete inaction for nearly 2 years after the company has become NPA?